50 मॉड्स इंस्टॉल करे हैं नहीं तो इस वीडियो को देखते रहो क्योंकि मैं GTA San Andreas को पूरा बदल देने वाला हूँ जबरदस्त मॉड से। इसको बनाने का आइडिया मुझे इस फैक्ट से आया कि हमें GTA San Andreas गेम कितना ज्यादा पसंद है, बहुत खेला है उस गेम को एंड आज भी खेलते ही है। पर GTA 5 ज्यादा पॉपुलर है बेटर ग्राफिक्स एंड गेम प्ले की वजह से, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हम सबके चहेते गेम GTA San Andreas को GTA 5 जैसा बनाने का। बन पाता या नहीं उसके लिए तो वीडियो पूरी देखना, अगर स्किप करके एंड में चले गए तो ज्यादातर मॉड्स एंड फीचर्स मिस कर जाओगे। बस बहुत बोल लिया, सीधा घुसते मॉडिंग के अंदर। पर उससे पहले आज का लाइक टारगेट पूरा कर दो एंड वो है 50,000 लाइक्स का, आई होप आप करवा दोगे। सबसे पहले तो भाई GTA San Andreas को मॉड इंस्टॉल करने लायक बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास है स्टीम वर्जन एंड उसमें मॉड्स नहीं चलते। तो डाउनग्रेडर से पहले डाउनग्रेड किया मैंने टू वर्जन 1.0, उसके बाद क्लियो मॉड, साइलेंट पैच, जी इनपुट डाले। ये सब के बाद आप देख सकते हो कि हमारी GTA San Andreas ऑलरेडी थोड़ी बेटर हो गई है क्योंकि ये मॉड से एंटी एलियसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो देखने में अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने डाला मॉड लोडर, लिमिटेड एडजस्टर और साइलेंस ASI लोडर। इससे आपको विजिबल डिफरेंस नहीं दिखेगा गेम में पर हमारी आगे की मॉडिंग ईजी हो जाएगी। अब हम GTA 5 जैसी लुक देना चाहते हैं San Andreas को, तो इसके लिए मैंने डाला GTA 5 हुड मॉड। इससे GTA San Andreas के हुड की जगह GTA 5 का हुड आ जाता है जो कि बेटर है और क्लीन है। टॉप राइट हैंड में आप देख सकते हो वांटेड लेवर और मनी, बॉटम लेफ्ट में आप देखो मिनी मैप को, उसमें डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता तक दिख रहा है, फिर आपके स्टैट्स भी दिख रहे हैं और वेपन व्हील्स भी आ गया है GTA 5 की तरह। अब अगर आपने मेरी GTA San Andreas PC वर्सेस मोबाइल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मोबाइल थोड़ा बेटर है देन PC क्योंकि उसमें बेटर फॉन्ट्स हैं, इसी GTA San Andreas में लाने वाले हैं। एटमॉस्फेरिक इंटरफेस पैक से आपका मिनी मैप एंड बाकी चीजें शार्प हो जाएंगी, मतलब उसके आइकन शार्प हो जाएंगे और 4K डेफिनेटिव लोड स्क्रीन से तो जो लोड स्क्रीन में इमेजेस आती हैं वो हाई क्वालिटी 4K की हो जाएंगी। वो इतनी सुंदर है कि आपका गेम खेलने का मन नहीं करेगा, बस लोड स्क्रीन ही देखते रहने का मन करेगा। देन मोबाइल फॉन्ट फिक्स से GTA San Andreas मोबाइल के फॉन्ट PC में आ गए जो अब देखने में काफी बेटर है, मतलब अगर आप किसी शॉप में जाओगे तो आपको दिखेगा मेन डिफरेंस। अब हम GTA San Andreas के वर्ल्ड को थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे जिसके लिए मैंने डाला प्रोजेक्ट प्रॉप्स एंड प्रॉप व्हीकल्स प्रोजेक्ट। इससे क्या हुआ कि पहली बात जो वर्ल्ड है उसमें एक्स्ट्रा प्रॉप्स आ गए, मतलब अगर आप स्टार्टिंग सीन ही देखोगे ना तो नोटिस करोगे यहाँ कितना कुछ है, डस्टबिन है, कूड़ा पड़ा है जिससे ये दिखने में भरा भरा लगता है। फिर प्रॉप व्हीकल्स ने जो डमी या फिर रेक्ड कार्स पड़ी होती है ना उन्हें चेंज कर दिया है एंड अब वो थोड़े थोड़े बेटर लग रहे हैं। प्री लाइटिंग फिक्सेस पैक से गेम के ऑब्जेक्ट्स की लाइटिंग इंप्रूव हो जाती है, मतलब बिल्डिंग्स हैं या ट्रीज है या फिर साइन बोर्ड्स, वो सब बेटर लाइट रिफ्लेक्ट या फिर एमिट करेंगे। अब हमें जानता हूँ कि आप बेसब्री से ग्राफिक्स मॉड का वेट कर रहे हो तो चलो फिर वही डालते हैं। मैंने यूज किया वी ग्राफिक्स, रॉब्स ENB सेटिंग्स एंड बोरिस वोरोनसोव ENB फाइल्स, जिसके बाद मुझे ये आउटपुट मिला एंड अभी कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब वाटर में रिफ्लेक्शन देखो एंड ये जो है ना वेदर एंड टाइम पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, अलग अलग वेदर एंड टाइम में आपको अलग अलग तरह से दिखेगा, लाइक लाइटिंग कितनी अच्छी हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे तो ये। इवन रेन को भी देख लो कि कितनी बढ़िया एंड रियलिस्टिक लग रही है। अब शायद ये थोड़ा थोड़ा GTA 5 के लेवल पे पहुंच रहा है। फिर डाला रोजा प्रोजेक्ट इवॉल्व्ड और रोजा इवॉल्व्ड अपडेट, जिससे गेम के सारे टेक्सचर्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ये मॉड बहुत बड़ा था, मतलब गेम के पूरे साइज से भी बड़ा, लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप देखो कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं बिल्डिंग्स वगैरह के टेक्सचर्स और बाकी प्रॉप्स के टेक्सचर्स बिल्कुल HD हो गए हैं जो सही में नेक्स्ट जेन लग रहे हैं। साथ ही मैप टेक्सचर्स भी डाल दिए जिससे मैप में जो कुछ जगह पे खराब टेक्सचर्स होते हैं ना वो सब फिक्स हो जाए और हमारा टेक्सचर पैक बढ़िया तरह से काम करे। स्टोरी मोड 2.0 क्या करता है कि वो गेम की स्टोरी को थोड़ा और बेटर बना देता है, मतलब वैसे तो ऑलरेडी वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरी GTA सीरीज में, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा गैंग्स ऐड कर देगा खेलने के लिए, उससे ज्यादा गैंग वॉर्स होने लगेंगी, फिर वर्ल्ड में भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर दी जाएंगी जिससे गेम को एक बार दोबारा खेलने का मन जरूर करेगा। एनवायरनमेंट को तो बहुत चेंज कर लिया, अब बारी है वेपन्स की, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट जेन रिमास्टर वेपन्स एंड भाई इस मॉड ने तो गेम के सारे वेपन्स को बिल्कुल नेक्स्ट जेन बना दिया है, सबके टेक्सचर्स चेंज कर दिए हैं, इवन साउंड भी चेंज कर दिया है। अब तो इन्हें यूज करने में सही में बहुत मजा आता है, ऊपर से जेट पैक्स को भी देख लो यार कितना ज्यादा चेंज हो गए हैं। और San Andreas कटसीन करेक्टर से कटसीन के टाइम जो करेक्टर आते हैं उनके टेक्सचर्स थोड़े क्लीन हो गए जो ऑब्वियसली दिखने में बेटर लगता है। HD यूनिवर्स व्हीकल से मैंने गेम्स के व्हीकल को HD यूनिवर्स के व्हीकल से रिप्लेस कर दिया जो दिखने में ज्यादा अच्छे हैं, उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत से वो वाले व्हीकल्स मिल जाएंगे जो GTA 5 या फिर GTA 4 में मिलते थे एंड इन व्हीकल्स के टेक्सचर्स बेटर हैं, बढ़िया शाइन मारते हैं और हाई रेजोल्यूशन भी है। साथ ही मैंने 100% गेम सेव फाइल्स भी इंस्टॉल कर ली हैं क्योंकि किसी को भी 100% कंप्लीट करना पसंद नहीं है, बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीजें करनी पड़ती हैं जिसमें बहुत टाइम खराब होता है एंड इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं होती।
होती, पर जो उसके बाद मिलता है वो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, जैसे कि $1 million, अनलिमिटेड एमो, डबल व्हीकल स्ट्रेंथ, स्वीट के घर के ऊपर हाइड्रा और गैंटन ब्रिज पे राइनो टैंक। तो भाई देख लो, हम आधी लिस्ट पार कर चुके हैं और हमारा गेम कितना बढ़िया लग रहा है। बने रहो मेरे साथ ये देखने के लिए कि मैं आगे क्या क्या करता हूँ। पर अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो कर दो, 50,000 लाइक्स करवाने हैं आपको। अब हमने इतने सारे मॉड्स इंस्टॉल कर लिए तो गेम क्रैश हो सकता है, इसके लिए यूज किया मिक्स सेट्स, जिससे आप गेम की छोटी से छोटी सेटिंग को ट्वीक कर सकते हो, लाइक FPS, CPU यूसेज एंड ऐसे 250 से भी ज्यादा सेटिंग्स है जो आप चेंज कर सकते हो। फिर शूज ऑन द वायर से GTA 5 की तरह सैन एंड्रियास की इलेक्ट्रिक वायर से भी शूज मिल सकते हैं। बेसिकली ये चीज GTA 5 के ट्रेलर में बहुत दिखाई जाती है। सिक्योरिटी कार्ड ड्रॉप मनी से स्ट्रॉन्ग कार्स को डिस्ट्रॉय करने पर खूब सारा पैसा मिलेगा। फिर कुछ और GTA 5 के फीचर इसमें ऐड करते हैं, लाइक टैक्सी राइड मोड से आप टैक्सी में एज अ पैसेंजर बैठ सकते हो, मनचाही लोकेशन पे जा सकते हो एंड सबसे बढ़िया आप राइड स्किप भी कर सकते हो, बिल्कुल GTA 5 की तरह। देन व्हील डिटैच मोड से अगर आप गाड़ी को एक्सप्लोर करते हो तो उसके व्हील्स निकल आ जाते हैं, जो कि रियलिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देता है। ब्लड ऑन द स्क्रीन से GTA 5 की तरह स्क्रीन पर ब्लड के मार्क्स आएंगे अगर कोई आपके ऊपर शूट करेगा तो। देन शॉर्ट कैम शेक, वेपन रिकॉइल ऑटो, एडवांस एमिंग मोड एंड स्प्रेड फिक्स से गेम की शूटिंग मैकेनिक्स ही चेंज हो गई है। अब शूट करते वक्त आपका कैमरा बहुत शेक करेगा एंड वेपन्स में भी रिकॉइल आ गया है, जो शूट कर रहे हो वो अच्छे से स्प्रेड होगा और इसकी एमिंग भी GTA 4 एंड GTA 5 जैसी हो गई है, मतलब अब शोल्डर के ऊपर से जूम होता है कैमरा एम करते वक्त। उसके बाद तो मैंने गेम्स में कुछ और वेपन्स ऐड कर लिए मॉड्स की मदद से, लाइक रियल चेन्सो, कर्मा वेपन्स, 90s एटमॉस्फेयर वेपन्स पैक, फेथफुल वेपन्स पैक एंड GTA 4 वेपन्स। अब इनकी खासियत यह है कि इसमें ढेरों वेपन्स हैं, मतलब 100 से भी ज्यादा नए तरह के वेपन्स हैं एंड आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो एंड कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे GTA 4 के वेपन्स डाल दो या रियल वर्ल्ड के वेपन्स डाल लो। मैंने इससे स्नाइपर राइफल और ग्रेनेड को भी चेंज कर दिया था एंड ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग बहुत से वेपन्स भी चेंज कर दिए। अब दिक्कत आ सकती है साउंड्स की, तो उसके लिए साउंड्स पैक बाय मैटी होनो डाला, जिससे उन वेपन्स को खतरनाक सी साउंड भी मिल गई है। एंड साथ ही मैंने चेन्सो को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब सैन एंड्रियास के वर्ल्ड को थोड़ा और रियल बनाने की कोशिश करते हैं एंड उसमें मैंने डाला था बर्ड्स अपडेट एंड द क्रोज मॉड। इससे गेम में रियलिस्टिक बर्ड्स एंड क्रोज आ जाते हैं, जो आपको रैंडमली इधर उधर दिखते रहेंगे। क्रोज की तो पर्टिकुलर लोकेशन है मैप में, जहां वो बहुत सारे मिलते हैं। देन गेम में पेट्स बहुत रिपीटेटिव होते हैं, एक ही जगह पे एक जैसे 2-3 मिल जाते हैं, तो पेट्स ओरिजिनल वेरिएशन से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि सिमिलर पेट्स के टेक्सचर्स बदल देता है, लाइक क्लोथ्स एंड कलर। उसके अलावा ये नए टेक्सचर्स भी ऐड कर देता है, तो इससे वेरिएशन आ जाता है, रिपीटेटिवनेस कम हो जाती है। बल्कि गेम को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए मैंने पेट स्किल्स भी डाल दिया, उससे पेट्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको ज्यादा डैमेज देंगे। जब आप ईमानदारी से मिशन करोगे ना, तो हो सकता है आपके ऊपर भारी भी पड़ जाए, तो ऐसे में रॉब्स पेट स्किल भी डाल दिया मैंने, ताकि डिफिकल्टी ठीक ठाक रहे, बहुत ज्यादा भी ना बढ़े, वरना मिशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। देन CJ और कैटलीना के कैरेक्टर मॉडल्स को थोड़ा एनहांस करते हैं। सबसे पहले मैंने डाला न्यू कैटलीना मॉड, जिससे कैटलीना का मॉडल थोड़ा एनहांस हो गया है। अब ये सीन रात का है, पर किसी दिन वाले सीन में अगर आप देखोगे ना, तो और भी ज्यादा बेटर लगेगा। हाई रेजोल्यूशन स्किन ट्वीक से मैंने कुछ और मॉडल्स की स्किन को हाई रेजोल्यूशन का बना दिया है। अब सबसे अच्छी बात यह कि हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन से मॉडल्स का करना है। मैंने तो मेन स्वीट, स्मोक और राइडर का कर लिया, जिसके बाद ये एक्चुअली बेटर लग रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन के हो गए हैं। उनके सामने बल्कि CJ भी का लग रहा है। कोई बात नहीं, रॉब के CJ रिमेड मॉड की मदद से CJ को भी बिल्कुल नेक्स्ट जन बना दिया है। अब इसका रेजोल्यूशन कम नहीं लग रहा, बल्कि बिल्कुल शार्प हो गया है एंड ये पहले से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लास्ट में मैं एक और मॉड डाल लेता हूं, जो कि है इंसल्ट मॉड। इससे CJ दूसरे पेडेस्ट्रियंस, गैंग मेंबर्स, इवन पुलिस को इंसल्ट कर सकता है। वो बात अलग है कि वन स्टार आ जाता है। इंसल्ट करने के लिए बस उसकी तरफ एम करना है एंड एन प्रेस करना है, जिसके बाद CJ उस इंसान के लिए मधुर शब्द बोलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो हो गए गाइस 50 मॉड्स एंड हमने अपनी GTA San Andreas को पूरा चेंज कर दिया है, ग्राफिक्स से लेकर, कार से लेकर, गेम प्ले से लेकर, ऑलमोस्ट सारे एंगल्स कवर कर लिए। अब शायद ये कुछ हद तक GTA 5 के आसपास पहुंची होगी। कैसी लग रही है यार, कमेंट्स में बताओ। मुझे तो इस नई GTA San Andreas को खेलने में बहुत मजा आएगा, सही बता रहा हूं।